शनिदेव, प्रिय भक्तगण, मैं आपकी गुरु मारुपनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जैसा कि आप जानते हैं हमारे शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर में दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं और आप सभी इस कार्यक्रम को देख करके अपनी जानकारी में वृद्धि कर और जीवन उपयोगी वो ज्ञान प्राप्त करते हैं जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही विशेष है कि आप ऐसा कौन सा फूल अपनी राशि के अनुसार अपनी जेब में रखें जिससे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। बहुत से लोग हमें से ऐसे हैं जो दूसरे पर इंप्रेशन नहीं दे पाते, चाहे आपने जॉब करनी है, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हमारा इंप्रेशन दूसरों पर पड़ना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं उनका इंप्रेशन सामने वाले पर नहीं पड़ता, सामने वाला उनसे प्रभावित नहीं होता, जिसके कारण वो अपने जीवन में असफल होते। तो वही सफलता का राज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अंत तक मेरा इस वीडियो को आप देखते रहें और जिन लोगों ने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गुरु रजनीश ऋषि जी, तो तुरंत से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन, घंटी का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आते हैं। तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे स्वतः ही आपको मिल जाए। हमारे चैनल पे डेली का राशिफल भी स्वामी राज ऋषि जी की वाणी में आता है, जहां वो आपके आज के सितारे बताते हैं। तो अपने दिन का प्रारंभ आप आज के सितारे स्वामी राज ऋषि जी का राशिफल देख के अवश्य करें। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं जीवन में आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने के लिए, चाहे मान लीजिए आपका बिजनेस है, तो बिजनेस में डील्स को मैच्योर करने के लिए, लोगों से डील करने के लिए आपको उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना बहुत आवश्यक है। लोग आपसे आकर्षित हो कि आपके बिजनेस की तरफ आए भी बहुत आवश्यक है, तभी बिजनेस आगे बढ़ता है। चाहे हम जॉब में हो, जॉब में अगर प्रमोशन चाहिए या आपको अपने कोलीग्स पर इंप्रेशन देना है, अपने वर्कर्स पे, अपने बॉस पे इंप्रेशन देना है, तभी जॉब में भी आप प्रमोशन पा सकते हैं, जॉब में आगे बढ़ सकते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हो, अगर आपके अंदर वो आकर्षण का एक फैक्टर है, आपके अंदर एक आकर्षण है, आपको देख करके लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपकी ओर खींच करके आते हैं, तो वैसे ही जीवन में आप सक्सेसफुल होने लगते हैं। लेकिन जिन लोगों के जीवन में इस चीज की कमी है, उनको एक बहुत ही अनोखा उपाय बताने जा रही हूँ और परखा हुआ उपाय। आप कहेंगे, गुरुमा ऐसा कैसे संभव है, जेब में एक फूल रखने से हमारी आकर्षण की शक्ति कैसे बढ़ सकती है? लेकिन ये बिल्कुल संभव। आपका ध्यान इस बात पे ले जाना चाहूंगी, चाचा नेहरू, हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनके जेब में आपने हमेशा से गुलाब का फूल देखा हो और दुनिया उनके पीछे थी, ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ उसको फॉलो करो और देखो, दुनिया आपके भी पीछे होगी, सक्सेस आपके साथ होगी और आप बिना रुकावट के अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। दसवीं एवं बारहवीं पास 15 से 25 साल तक की लड़कियों के लिए शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में गुरु रजनीश ऋषि जी और गुरु मां रुक्मिणी जी द्वारा फ्री कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, जहां सभी लड़कियों को मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का फ्री 2 साल एवं 3 साल का डिप्लोमा कोर्स पूरे दिन सिखाया जाता है, जिसकी कीमत मार्केट में 5 लाख रुपए तक है। लड़कियों को हर महीने हमारे मंदिर की ओर से स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और एक सम्मानजनक नौकरी पा सकें। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें गुरु मां रुक्मिणी जी। तो चलिए बात करते हैं आपकी राशि के अनुसार कौन सा फूल आपको अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में रखना है, जिससे कि लोग आपके ऊपर आकर्षित होंगे, आपके साथ देंगे, आपकी ओर अट्रैक्ट होके आएंगे, आपसे मोहित हो जाएंगे। अगर आपकी राशि मेष राशि यानी कि एरीज राशि है, तो आपने अपनी जेब एक गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल आपने रखना है। लेकिन इस फूल को पहले आप अभिमंत्रित करेंगे। किस मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे नोट कर लीजिए। 108 बार इसको जप के अभिमंत्रित करके आप इसे अपनी जेब में सुबह के समय रखें और फिर देखें कि लोग कैसे आपसे आकर्षित होते हैं। चाहे आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, या आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, रिश्ते के लिए जा रहे हैं, या ऐसे किसी काम में जहां पब्लिक मीटिंग है, लोगों को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आप ये उपाय करके जाएं और इसमें सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी।
जो मंत्र आपने प्रयोग करना है वो आप नोट कर लीजिए। सुबह उठ के एक घी का दीपक जलाना है, एक धूप पत्ती जलानी है और भगवान से प्रार्थना करने के उपरांत आपने उस गुलाब को अपने सामने रखिए। इस जो मंत्र बताने जा रही हूँ इससे आपने अभिमंत्रित करना है। मंत्र इस प्रकार से आप उसे नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते काम देवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। इससे मैं बता रही हूँ, आप इसे नोट कर ले। ओम नमो भगवते काम देवाय यस्य यस्य दर्शो भवामि यश्च यश्च मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार आपने पढ़ना है और उसके उपरांत आपने उस फूल को अपनी जेब में रख लेना है। ऊपर की जेब में रखें तो ज्यादा अच्छा है, जल्दी लोग आकर्षित होंगे। नहीं ऐसा कर सके तो आप अपनी पैंट की जेब में या नीचे की जेब में भी इसे रख सकते। साथ ही दूसरा सफलता का राज आपको बताने जा रही हूँ। देखो, जीवन में यदि सफल होना है तो एक बात को आप हमेशा याद रखना, दूसरों को सुनना छोड़। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, अगर आप यही सोचते रहेंगे, यही समझते रहेंगे, उससे हर्ट होते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे आपने बढ़ना है तो दूसरों की चिंता छोड़। दूसरे जो कहते हैं उन्हें कहने दो, आप अपने लक्ष्य में लगे रहो, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और किसी की बात न सुनो। एक छोटी सी कहानी, एक उदाहरण आपको देती हूँ। एक दिन एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें बहुत सारे मेंढक आसपास घूम रहे थे और दो मेंढक वहां पर नीचे उसमें गिर गए। अब वो गहरा गड्ढा था, वो उससे निकल नहीं पा रहे थे, बार बार कूद कूद के कोशिश कर रहे थे ऊपर आने की, लेकिन जितने भी मेंढक आसपास गड्ढे के थे वो सब कहने लगे कि अब तुम मर जाओ, अब तुम ऊपर नहीं आ सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम रहने दो, तुम छोड़ो, अब तुम मर जाओ। मेंढक दोनों ही कोशिश करते रहे, उछलने लगे, कूदने लगे ऊपर आने की, किसी तरह से वो वापस ऊपर आ जाए, लेकिन गहरा था गड्ढा, मुश्किल हो रही। वो जो आसपास मेंढक थे वो सारे चिल्ला चिल्ला के बार बार यही कहे जा रहे थे कि अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, अब तुम मरने वाले हो, अब तुम बिल्कुल ऊपर नहीं आ सकते हो, ये गहरा है गड्ढा, बेकार में तुम अपने आप को कष्ट दे रहे हो, वो तुम कूद कूद के और जल्दी अपनी मृत्यु को बुला रहे हो, इसलिए शांति से बैठ जाओ। ऐसा सुनते सुनते जो एक मेंढक था उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अब तो मैं मरने ही वाला हूं, तो अब मैं कूद के बाहर जाके क्या करूंगा। वो शांति से वहां बैठ गया और धीरे धीरे मरने की ओर वो जाने लगा। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो फुदकता रहा, कूदता रहा और कूदते कूदते ऊपर 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 किसी तरह वो आ गया। जब सारे मेंढकों ने देखा कि वो ऊपर फिर से आ गया, इतने गहरे गड्ढे से निकल आया और दूसरा तो वहीं मर गया है, तो उसने पूछा कि अरे भैया, हम चिल्ला चिल्ला के तुझे कह रहे थे तू मर जाएगा, मत कूद, तो तूने सुना क्यों नहीं। उस मेंढक ने कहा, भैया मैं तो बहरा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम कह क्या रहे हो, मुझे तो ये लगा कि तुम सब मुझे उत्साहित कर रहे हो, तुम सब मेरे लिए चीयर अप कर रहे हो कि जल्दी से भैया बाहर आ जाओ, इसलिए उसी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ सका। तो जीवन में दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता छोड़ो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, एक दिन सफलता आपको अवश्य ही मिल जाएगी। और उस सफलता में अगर लगता है कि कोई कमी रह रही है, आपके ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे, तो आप चिंता मत करें, आपकी गुरु मां रुक्मिणी आपके साथ हमेशा। आप मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, उस जन्म कुंडली में अगर कोई भी बाधा आपके ग्रहों के कारण आ रही है तो हम उसे ठीक करेंगे और उसके उपाय स्वरूप आप अपने जीवन में बिना रुकावट आगे बढ़ने लगेंगे। आप मुझसे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, या जो राशि फल देते हैं हमारे यहाँ स्वामी राज ऋषि जी, उनसे भी आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। जन्म कुंडली दिखाने के लिए एक छोटी सी फीस हमारे यहाँ चार्ज की जाती है, जो कि हमारे द्वारा जो हमारा शनि मंदिर है उसके संचालन के लिए काम आती है, जो हम सामाजिक कार्य करते हैं, यज्ञों महायज्ञों का आयोजन करते हैं, जो लंगर सेवा होती है, हर मंगलवार हर शनिवार को प्रसाद वितरण किया जाता है गरीबों के बीच में, उसके लिए प्रयोग की जाती है, जो हलवे का प्रसाद वितरण किया जाता है गरीबों के बीच में उसके लिए प्रयोग की जाती है, और जो लड़कियों को मैं फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देती हूँ उस सभी के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप इन सेवाओं में भी जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली दिखाने के माध्यम से आप इन सभी सेवाओं में भी सहयोग कर सकते हैं। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें, आप सभी अपने जीवन में सक्सेसफुल हों, आगे बढ़ें, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। जय शनि।